नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के पठानकोट चौक में ट्रक और मिनी बोलेरो ट्रक में हुई जबरदस्त भिड़ंत, ड्राइवर सहित दो कंडक्टर आधे घंटे तक अंदर तड़पते रहे। होशियारपुर में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4,000 करोड़ रुपयों के शुरू होने वाले 29 प्रोजेक्टों का किया शिलान्यास व लोकार्पण, कहा सभी प्रोजेक्ट 2 वर्ष में होंगे पूरे। सीआईए स्टाफ जालंधर देहात की पुलिस ने गन पॉइंट पर गाड़ियां लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को किया काबू, 2 कारें, मोटरसाइकिल, पिस्तौल, जिंदा रोंद व मैगजीन किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। सड़क हादसे की ये भयानक तस्वीरें जालंधर के पठानकोट चौक की है, जहां एक ट्रक और मिनी बोलेरो ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई और मिनी ट्रक बोलेरो के ड्राइवर सहित दो कंडक्टर अंदर फंस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों वाहन पठानकोट चौक की तरफ तेज रफ्तार से आ रहे थे, जब ट्रक अमृतसर जाने के लिए पठानकोट चौक से मुड़ने लगा तो ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दी और पीछे से आ रही मिनी बोलेरो ट्रक की बड़े ट्रक के साथ टक्कर हो गई। दोनों वाहनों की भिड़ंत इतनी भयानक थी कि मिनी ट्रक बोलेरो के आगे वाला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें सवार ड्राइवर कंडक्टर अंदर ही फंस गए और बेसुध हो गए। लोगों की मदद से जैसे तैसे कड़ी मुशक्कत से उन्हें बाहर निकाला गया और निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। गौरतलब रहे कि ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है, वहीं ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक संबंधी कंट्रोल रूम में सूचना दे दी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तीन बंदे अच्छा जी, सामने और ट्रक वाली ने मारिया, फिर ट्रक भी नाल ही खिलाया, ड्राइवर फड़ लिया। ड्राइवर होशियारपुर में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 4,000 करोड़ रुपयों के शुरू होने वाले 29 प्रोजेक्टों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। इस मौके उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला मौजूद रहे। इस मौके पर नितिन गडकरी ने पंजाब के लिए नए शुरू होने वाले प्रोजेक्टों को लेकर जानकारी दी। वहीं मुकेरिया, दसूहा, भोगपुर में जल्द बाईपास को मंजूरी दिए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सभी प्रोजेक्ट 2 वर्ष में पूरे कर लोगों की सुविधा के लिए चालू किए जाएंगे। होशियारपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज बहुत खुशी वाला दिन है, पंजाब में 4,000 करोड़ की लागत नाल 39 नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट लोकार्पण जशिलान्यास किए जा रहे हैं। पहला भी पंजाब ने नितिन गडकरी जी ने अनेक प्रोजेक्ट सर्चर किए ने, सारे पंजाब नेशनल हाईवे का जाल बिछिया, बहुत सारिया सड़क बनी, बहुत सारे फ्लाईओवर बने ने, बहुत सारे ब्रिज बने ने और पंजाब बहुत तरक्की से खुशहाली वाल बढ़िया। उन्होंने सारे देश में नेशनल हाईवे भी बनाए ने, ब्रिज भी बनाए ने, फ्लाईओवर भी बनाए ने, रोड का जाल बिछाया। मैं 2019 एमपी बढ़िया उदो जो फगौड़े तो अस जाते थे चंडीगढ़, बड़ी सड़क खराब थी और फोर लेन सड़क करके अज रस्ते पता नहीं लगता फगौड़ा तो दमा शहर तो निकले कुराली रोपड़ के सारे बाईपास बन गए। इस तरह बहुत सारिया सड़क सारे पंजाब बढ़िया ने, मैं इन्हों का धन्यवाद करता। आपके बारे में वैसे तो सारे हिंदुस्तान में मशहूर है, पर तो पंजाब के लोगों में और खास तौर पर पंजाब के राजनीतिक गलियारों में, पंजाब के राजनीतिक गलियारों में खास करके जब बात होती है गडकरी जी की तो सभी यही कहते हैं अपना मंत्री, किसे पार्टी से कोई संबंध किसे नाल होवे, किसे पार्टी का एमएलए, किसे पार्टी का एमपी साहब,
ਕੋਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਚ ਨਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸੰਘੀਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀਏ ਢਾਂਚੇ ਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ आदरणीय सो प्रकाश जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज विशेष रूप से शिलान्यास और लोकार्पण के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें करीब 4,000 करोड़ की लागत से करीब 29 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है पंजाब में 2014 में एनएच की लंबाई 1699 किलोमीटर थी और 2024 में वो बढ़कर 4,239 किलोमीटर हो गई है और पिछले 9 साल में पंजाब में 2,540 किलोमीटर एनएच की लंबाई बढ़ी है राज्य में 38,000 करोड़ की लागत से 1,027 किलोमीटर की 28 परियोजना पर काम चल रहा है और भारतमाला परियोजना में फेज वन में 1,00,000 करोड़ की लागत से 2,160 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं हाईवे का भी निर्माण किया जाएगा भारतमाला परियोजना फेज टू में 50,000 करोड़ की लागत से 1,126 किलोमीटर के सड़क निर्माण की भी योजना बनाने का हमने संकल्प किया है मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि अभी हमने टेक्नोलॉजी हासिल की है जो यशस्वी हुई है कि परली को जलाने के बजाय परली से बायो बिटुमिन तैयार हो पंजाब के किसानों को आह्वान करूंगा कि आप परली जलाइए मत मैंने खुद अपने हाथ 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनता है अब ऐसे 180 प्लांट ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और 36 प्लांट पूरे हुए हैं आपके ट्रैक्टर आपकी बस आपकी ट्रक किसी सीएनजी पर चल सकते हैं From Ludhiana Road to Nakodar Road and Jalandhar Road, connecting Ludhiana and Jalandhar Road, इसका DPR बनाने के लिए आदेश दे दिया है, उसकी भी शुरुआत हो गई है। उन्होंने linking of Jalandhar Ludhiana National Highway with Jalandhar Pagwara Proper Highway, Bangar Road, इसके बारे में मुझे जुड़ने के बारे में कहा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक पंजाब सरकार से CRF में एक प्रस्ताव मुझे दे दो तुरंत उसको मैं मंजूर करके दूंगा ये भी घोषणा मैं कर देता हूँ उनके चारों काम हो गए हैं पंजाब में आज 12,000 करोड़ की घोषणा हुई है सीआईए स्टाफ जालंधर देहात की पुलिस द्वारा हाईवे पर गन पॉइंट पर गाड़ियां लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को 10 घंटों में गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की गई है इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहात मुखविंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सतनाम सिंह उर्फ श्याम सतेंद्र सिंह उर्फ सनी दोनों निवासी गाँव काले थाना छैरट्टा जिला अमृतसर शिवा निवासी अमृतसर राहुल उर्फ चूहा निवासी छैरट्टा जिला अमृतसर के तौर पर हुई है पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कारें 2 मोटरसाइकिल 1 पिस्तौल 32 बोर 2 जिंदा रौंद 4 मैगजीन 32 बोर 7 रौंद 32 बोर भी बरामद किए हैं फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट कल 9 तारीख नु सवेरे अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे के करीब साढ़े आदमपुर एरिए एक पेट्रोल पंप तो ब्रीजा कार जी है पिस्टल पॉइंट के उत्ते खोई गई सी और उस तो पहला एक जेडे गड्डी जा रही थी हिमाचल में उसनों फॉलोअप करके पलटा के उन्होंने उन्होंने कुछ लुटेरिया ने जोड़ा लुटखो की उस जी इमीजिएटली जलंधर रूरल पुलिस ने
ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਔਰ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇ ਗਾਉਂ ਡਡਿਆਣਾ ਕਲਾਂ ਮੇ ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਚੀਨਾ ਕਾ 3 ਯੁਵਕੋਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਥਾ ਔਰ ਅਬ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਕੇ ਮੁਖਿਆ ਆਰੋਪੀ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਕੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ SSP ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਵਿੱਕੀ ਕੋ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੋ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਸਕੇ ਪੈਰ ਮੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਹਿ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਕੋ ਔਰ ਆਗੇ ਬੜਾਤੇ ਹੋਏ ਅਨਯ ਆਰੋਪੀਓ ਕੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਮੇ ਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਮਨੀਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਥਾਣਾ ਲਾਂਬੜਾ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਕਨੂ ਨਿਵਾਸੀ ਅਸਲਪੁਰ ਥਾਣਾ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਭੀ ਆਰੋਪੀਓ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਆਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਰਪੰਚ ਕੇ ਕਤਲ ਕਾ ਹੋਆ ਥਾ ਉਸਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜੋ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਥਾ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਅਲੀਅਸ ਵਿੱਕੀ उसको कल हमारी टीम CIA टीम ने एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर जिसमें हुआ जब पकड़ने टीम हमारी जा रही थी उसने पुलिस टीम पे गोली चलाई और उसके बाद में उसकी हॉट चेज हुई और उसके बाद में उसको जो है पकड़ लिया गया जिसमें वो 2 बुलेट इंजरीज उसने सस्टेन किए हैं। वो अंडर ट्रीटमेंट है जो मेन दोषी अनूप कुमार अलियास विक्की है। उसके बाद में उससे जो इन्फॉर्मेशन आई उसके साथ ही जो दूसरा मनीष था मनीष अलियास मनप्रीत उसको भी जो है इन्फॉर्मेशन बेस पे हमारी टीम ने अर्ली मॉर्निंग अरेस्ट किया है। साथ में उसके ब्रदर जो है जो उनको बहुत हेल्प कर रहा था इसमें अरेस्ट एब्सकॉन्ड करने में उसको हमने अरेस्ट किया है। अब तक जो है 7 दोषी इस केस में अरेस्ट किए जा चुके हैं जिनमें से 3 दोषी जो मेन 3 दोषी जो मौके पे आके जिन्होंने कत्ल को अंजाम दिया था वो तीनों पुलिस गिरफ्त में हैं। उसके अलावा 4 दोषी जिन्होंने इसको भागने में मदद करी थी और साथ ही जो है जो हार्बर कर रहे थे शेल्टर दे रहे थे और मे बी आगे जो है आगे चीज के इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि इन्होंने वेपन प्रोवाइड कराने में या किसी तरीके की हेल्प भी इन्होंने। अमृतसर के GT रोड पर STF जालंधर की टीम की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर रेड कर 2 नशा तस्करों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए STF जालंधर के ASI परमिंदर सिंह ने बताया कि उनके द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल रेड की गई। इस दौरान राजस्थान नंबर की I-20 गाड़ी में कुल 3 लोग नशे की सप्लाई करने के लिए यहां खड़े थे। रेड के दौरान गाड़ी चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया जबकि उसके 2 साथी जिन्होंने सप्लाई करनी थी उन्हें काबू कर लिया गया है जिनके पास से 700 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੰਬਰ ਦੀ I-20 ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਵਰ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਗਿੱਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਗੋਪੀ ਬਾਸੀ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਹਿਲੇ ਆ ਉਹ ਗੁਮਟਾਲੇ ਦੇ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ 2 ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਹਿਲ ਤੋਂ ਅਤੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੈਬਰੀਅਲ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਕੁੱਲ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੋ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
माननीय जिला और सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी फिरोजपुर वीरेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कम सचिव जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी फिरोजपुर एकता उप्पल की ओर से ट्रैफिक सुरक्षा को मुख्य रखते हुए एनजीओ कोऑर्डिनेशन कमेटी के सहयोग से बाजिंदपुर चौक फिरोजपुर में वाहनों और आने जाने वाले साधनों पर रिफ्लेक्टर स्पीकर लगाए गए ताकि धुंध में वाहनों के होने वाले एक्सीडेंटों से बचा जा सके। इसके साथ ही एनजीओ के सहयोग से मैडम एकता उप्पल की ओर से वाहन चालकों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म दोशाले भी बांटे गए। इस मौके पर जेएसओडी बलविंदर शर्मा सहित एनजीओ के सदस्य भी मौजूद रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। लगी है ना कोई रिफ्लेक्टर्स लगे है उदे नाल थोड़ी लाइफ की भी सेफ्टी नहीं है ते जेड़ा थोड़े पीछे आ रहे है उदे लाइफ की भी सेफ्टी नहीं है। तुसी सारे फैमिली पर्सन जो थोड़े घर च भी कोई ना कोई इंतजार करता है ता रोड सेफ्टी बहुत जरूरी है। हां जी हां जी स्पेशली मैं थोनू सारे नु रिक्वेस्ट करा जी जरूर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लोग की रोड पे जाते हुए जे से 2 मिनट थोड़ा जो ध्यान दे दिए ता उदे नाल बहुत कीमती जाना बच सकता है। हां जी हां जी ठीक है। हां जी सो जदों भी तुसी ब्रेक लगानी है मैनू पता है सवारी थोड़े लिए बड़ी वैल्यूएबल होती है बट फिर भी जिंदगी तो ज्यादा अनमोल कोई चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स बनाए ने के सड़कां ते खड़े रहते ने लेकिन पीनल प्रोविजन जो बनिया ने अपन कानून ने जड़े ए वाले जड़े कानून ने यह सज़ा ली नहीं थोड़ा बेसिकली बनाए गए कि थोड़ा उन्होंने चीज़ों को प्रिवेंटिव मैशर्स दे तुसी रुको उन्होंने चीज़ों तो। BSF 71वीं बटालियन भीखी विंड ने दुख निवारण अस्पताल अमृतसर के सहयोग से सीमावर्ती गांव नौशहरा ढल्ला में एक मेडिकल कैंप लगाया जिसमें नौशहरा ढल्ला चीमा कला हवेलियां छीना विधि चंद और नारली के सहित आसपास के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। दुख निवारण अस्पताल से आए माहिर डॉक्टरों द्वारा 325 के करीब लोगों का निःशुल्क मेडिकल चेकअप कर उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गई। तो वहीं BSF 71वीं बटालियन भिकी विंड के कमांडेंट श्री प्रमोद नोटियाल ने कहा कि सीमावर्ती गांव नौशहरा ढल्ला के आसपास के कई गांवों से ग्रामीणों ने आकर इस कैंप का लाभ उठाया। वहीं उच्च अधिकारियों ने कहा कि वे देश की रक्षा हेतु सीमाओं पर हर परिस्थिति में तैनात रहते हुए दुश्मनों पर नजर बनाए रखते हैं तथा इसी सिलसिले में सामाजिक समारोह का निर्वहन करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सिविक एक्शन के तहत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन 71वीं बटालियन द्वारा किया गया। कमांडेंट ने सीमावर्ती लोगों को आश्वस्त किया कि सीमावर्ती इलाकों में इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर योगिंदर राज उप कमांडेंट KS अधिकारी शैलेंद्र कुमार कंपनी कमांडर जतेंद्र कुमार सिंह इंस्पेक्टर रघुनाथ राम डॉक्टर आफताब SMO 168 बटालियन BSF और दुख निवारण अस्पताल अमृतसर के डॉक्टर परमिंदर और डॉक्टर हरप्रीत वालिया मानव अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान नरेंद्र धवन जितेंद्र सिंह बाबा निर्मल सिंह सरपंच केहर सिंह मान संधु मनजिंदर सिंह मन्ना स्वर्ण सिंह हरजिंदर सिंह गुरलाल सिंह व गुरबीर सिंह भी मौजूद रहे। भिखी विंड से हलचल के लिए भूपिंदर सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सीमा सुरक्षा बल इंडो पाक बॉर्डर को मैन कर रही है। बॉर्डर पर रहने वाले जो हमारे ग्रामवासी हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए हम लोगों के पास भारत सरकार की स्कीम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप और अन्य प्रोग्राम हम लोग आयोजित करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में आज दोबारा से हमने वाइब्रेंट विलेज नौशहरा ढल्ला में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है जिसमें हमारे डॉक्टर आफताब 168 बटालियन के BSF के जो खासा में है वहाँ से आए हैं हमारे साथ में और दुख निवारण हॉस्पिटल के डॉक्टर प्लस जो हमारे सिविल डॉक्टर हैं उनको साथ में हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया है। हमने एक सर्वे करवाया था जिसमें जितने भी हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं बॉर्डर पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी किस तरीके की दिक्कतों उनको सामना करना पड़ता है किस तरीके की उनको डिजीज़ होते हैं क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उसके तहत हमने मेडिसिंस खरीदी हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आज उन्हीं मेडिसिंस का भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। इस बारे में बहुत ही बढ़िया सलाघाजोग कदम है नाल अपने JK सर खड़े है नाल अपना छोटा जिहा दरबार आ मेरा नाम मान संधु नौशहरी आ ये कैंप का एक तो अपने लोकल जिन्हें भी नौशहरा ढल के लोग आ फायदा लै रहे हैं
फ्री मेडिसिन वगैरह जो भी चैकअप अखा का टैसट किसी भी चीज़ की जरूरत जिमें शूगर वगैरह तू टाइफाइड आबंध में इन्हें लाया मेडिकल कैंप योजे कै मेडिकल कैंप जो अपने लगते रहने इदा बॉडर एरिए जोड़े बॉडर के लोगों गरीब लोग आ जिन जे कि पैसे तो नहीं अपनी दवाई वगैरह लै सकते यह फायदा ले रहे हैं। अमृतसर में चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर एसोसिएशन की ओर से रंजीत एवेन्यू स्थित निगम कार्यालय में सरबत के भले के लिए श्री सुखमनी साहिब का पाठ करवाया गया। पाठ के उपरांत अरदास कर आए हुए लोगों में लंगर भी बांटा गया। इसके साथ ही सफाई सेवकों के बच्चों को भी सम्मानित किया गया जो पढ़ाई कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता, डॉक्टर जसबीर संधू, पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेश अरोड़ा, डॉक्टर किरण कुमार, निगम अधिकारी सुशांत भाटिया, समाज सेवक डिंपल पंडित, पूर्व पार्षद जनैल सिंह ढोट, यूनियन नेता आशु नाहर, विनोद बिट्टा सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। एसोसिएशन के सरपरस्त मलकांत सिंह खैरा, चेयरमैन जितेंद्र पाल सिंह बब्बर, प्रधान विजय गिल, महासचिव रविंदर कुमार, मुख्य सलाहकार राकेश मरवाहा तथा कोषाध्यक्ष संजीव दीवान ने आए हुए अतिथियों को सम्मानित किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज खंड पाठ सुखनी साहब का कराया ये सारे की सुख शांति वास्ते मुलाजमान की मुलाजमान के चढ़ती कला रहने वास्ते भी यह प्यार मुहब्बत सारे दे नाल इस तरह ही चलता रहे तो परमात्मा सब सत बुद्धि देवे इन्हें सारे मुलाजमान हमेशा ही यहोजे काम करते रहन। मैं शहर से लख लख बधाई दिना एसोसीएशन के प्रधान गिल साहब न मान जो साढ़े डॉक्टर साहब न असी सारे मिलजुल के इदा ही खुशियां मनाते रहिए।